में बहुत बहुत स्वागत है आज जुड़ने के लिए. वेरी इमोशनल डे टुडे. क्या कहना चाहिए आज? बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है आज सुबह से ही हम लोगों को. बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि आज लास्ट डे है. और एक्चुअली हम लोग इतने दिन से ही हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था. जब हम लोग को एक्सटेंशन मिला था, हम लोग को लगा था कि शायद ऑफर ना जाए हमारा शो, बट फिर भी हमारा शो ऑफर जा रहा है. तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. लेकिन शो की बात करें, शो ने आपको कितना कुछ दिया है, कुछ अगर आप बता सकें? शो ने काफ़ी आपको फैंस दिए हैं जी. बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे लोगों से प्यार मिला है मुझे इस शो के वजह से. लोगों को तनिषा का कैरेक्टर बहुत अच्छा पसंद आया है. नेगेटिव होने के बाद भी लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. ओके, फालतू की बात करें, फालतू को आपने काफ़ी शो में परेशान किया है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, तनिषा ने फालतू को इसलिए परेशान किया क्योंकि फालतू ने पहले तनिषा की लाइफ ख़राब की. वो अयान को लेकर चली गई, अयान और तनिषा के बीच में आ गई, इसलिए तनिषा ने उन लोगों के साथ ऐसा किया. बट अभी ऐसा कुछ नहीं, अब तनिषा दिल जा चुकी है, फालतू अयान एक हो चुके हैं. मैम, वन जर्नी जब एंड होती है तो कहीं ना कहीं न्यू जर्नी की शुरुआत होती है. और न्यू जर्नी की शुरुआत के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मतलब किस तरह के काम आप करना पसंद किए? आपकी बेहतरीन एक्टिंग स्किल देखी हमने. अभी फ़िलहाल तो मैं बस पॉजिटिव कैरेक्टर पसंद करूँगी करना. तो अभी देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है. अभी तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा ब्रेक के बाद ही कुछ करेंगे, जो भी करेंगे. हेक्टिक शेड्यूल होता है, 15-15 जी आप लोग काम करते हैं. और ये शो बिना छुट्टी के तो, हाँ बिना छुट्टी के तो अब बस थोड़ा सा रेस्ट करना है, चिल करना है, उसके बाद ढूंढेंगे कुछ काम. और कोई डेस्टिनेशन आपने डिसाइड की है कि बाहर? फिलहाल कुछ भी नहीं, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला. इतना हम लोग को शॉर्ट नोटिस में ये सब पता चला है कि रैप हो रहा है, ये सब चीज़ें बैक टू बैक शूट चल रहे थे, इतने सारे सीन्स थे, हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है. तो अभी देखेंगे, सोचेंगे कुछ अच्छा. डिसअपॉइंटमेंट है जब इस तरह की न्यूज़ आपको आई जी? बिल्कुल, क्योंकि टॉप 5 का शो था तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि इतने अच्छे काम करने के बाद भी, इतना अच्छा TRP आने के बाद भी हम लोग का शो ऑफर जा रहा है, विच इज़ अनफेयर. बट ठीक है, वी हैव एक्सेप्टेड दैट. आपने कोई फिल्म देखने की? इन दिनों काफ़ी छुट्टी मतलब हो गई है तो अभी अभी धीरे धीरे सब कुछ प्लान करूँगी. अभी आज ही रैप हुआ है तो भी कल से कुछ ना कुछ प्लान करते रहेंगे. ओके, आखिर में आप सबसे ज़्यादा किसको मिस करने वाली ये सेट से? मैं को एक्टर में से सबसे ज़्यादा रजत और निहारिका को मिस करूँगी. सबसे ज़्यादा मस्ती हम लोगों ने की है तो मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ. ओके, आगे कोई प्लानिंग है सॉन्ग करने का? सॉन्ग किस तरह का आप करना पसंद करते हैं? मतलब एक मेलोडी होता है या लव रोमांटिक? लव रोमांटिक सॉन्ग. या लव रोमांटिक सॉन्ग. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तनिषा को. नेगेटिव होने के बाद भी आप लोगों ने उसे इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच. अभी दूसरे शो पे प्यार दीजिएगा. थैंक यू सो मच.